इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब यूपी पुलिस दंगाई बन चुकी है? अगर पुलिस ही दंगाई बन जाए तो आवाम कहां पर जाए? मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। पिछले 3 हफ्ते से एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। जामिया मिलिया में भी पुलिस की बर्बरता सामने आई। तलबाओं पर हो रहे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। यहाँ तक के संघी विचारधारा के लोग पुलिस के बेस में एहतजाज करने वालों पर लाठी और पत्थर फेंकते वीडियोस वायरल हुए। लेकिन योगी सरकार में सबसे ज्यादा पुलिस की तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा फसाद को लेकर उत्तर प्रदेश ही मुतासिर रहा। तकरीबन 22 अफराद एहतजाजी फसाद में मारे गए, पर पुलिस का कहना यह है कि दंगाइयों के पास ही हथियार थे और उसी में वो मारे गए। पर ताज्जुब तो इस बात का है कि अगर दंगाइयों ने हथियार लाए थे तो किसी भी दंगाई ने पुलिस पर गोली क्यों नहीं चलाई? लिहाजा अब यह भी आवाज उठ रही है कि पुलिस के बेस में कुछ संघी विचारधारा के लोगों ने गोली चलाई है, जिसमें 22 लोग मारे गए। पहले तो पुलिस ने एक भी गोली चलाने से इनकार किया, फिर एक की मौत पुलिस की गोली से होने का इकरार भी किया। खैर, यूपी पुलिस यहाँ पर भी नहीं रुकती, बल्कि कोई सबूत ना मिले इसके लिए सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने का काम अंजाम देने की कोशिश करती है। ऐसे सैकड़ों वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें पुलिस दंगाई का किरदार निभाती नजर आ रही है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाकर घरों में दाखिल होना और तोड़फोड़ कर लाठियों से जो भी मर्द औरतें हैं उन्हें बेरहमी से पीटना, यह तकरीबन मोहल्लों का नजारा बनता नजर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर योगी हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। तकरीबन 60 दुकानों को इसलिए सील किया गया है कि तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई इन्हें बेच कर लिया जाएगा। आखिर सवाल यह उठता है कि अदालत के फैसले के बगैर, किसी तहकीक के बगैर इन दुकानों को सीज क्यों किया जाता है? और यह ताज्जुब की बात नहीं है कि तमाम दुकान सिर्फ एक ही समाज के लोगों के हैं। यूपी रामपुर के एसएसपी अजय पाल शर्मा ने तशद्दुद में शामिल लोगों की तस्वीरें भी जारी की है और इन्हीं लोगों से नुकसान भरपाई की जाएगी। योगी हुकूमत ने शहर के चारों तरफ तशद्दुद में शामिल लोगों की तस्वीरें चस्पा की हुई है। यह कार्रवाई मुख्तलिफ शहरों में भी जारी है। नुकसान की वसूली में पुलिस के टूटे डंडे, हेलमेट, पुलिस की गाड़ी के यहाँ शीशे तक भी नुकसान माना जा रहा है। पुलिस भरपाई की नोटिस जिन लोगों को दी गई है उसमें अक्सर लोग मजदूर हैं। यह बहुत सोचने की बात है कि मजदूरों को जो है नोटिस दिया जा रहा है, जिन्हें तकरीबन 2 करोड़ की रिकवरी की नोटिस दी गई है। रामपुर डीसी अंजनेय कुमार ने बताया कि अब तक 28 लोगों को जो नोटिस दिया गया है, इनमें हर एक को 25-25 लाख की नोटिस भेजी गई है। यह शुरुआत है, तादाद और भी बढ़ सकती है, ऐसा उनका कहना है। सीसीटीवी के जरिए पहचान कराने की भी कोशिश जारी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक के करीब तकरीबन 40 मकान ऐसे हैं जहां पर देर रात घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ ही नहीं की, बल्कि बर्बरता के साथ लाठियों से पीटा गया। तस्वीरें यहां पर अगर हम दिखाएंगे तो शायद आप न देख सकेंगे इस कदर बर्बरता पुलिस की जानिब से की गई है। जब प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछते हैं कि आखिर तशद्दुद फैलाकर क्या हासिल हुआ, क्या यह आवाम की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, तो फिर पुलिस के जरिए तशद्दुद की तस्वीरें और वीडियो जो सामने आ रहे हैं इस पर भी वजीर आजम क्यों नहीं बोलते? यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ तो बदला लेने की बात करते हैं, आखिर इस औहदे पर बैठकर किस सोच और फिक्र के लोग किस तरह की बातें करते हैं? इससे पहले भी कई बड़े बड़े एहतजाज हुए, करोड़ों का माली नुकसान हुआ, तब तो किसी ने बदला लेने की बात नहीं की थी। तो फिर क्या सिर्फ मुस्लिम माशरे को इशारा दिया जा रहा है कि तुमसे बदला लिया जाएगा? क्या पुलिस को अब यह भी सिखाया जा रहा है कि यह मकानात तुम्हारे नहीं है, इन्हें खाली कर दो? बिल्कुल यही कहा जा रहा है आवाम की तरफ से। यूपी पुलिस की जानिब से देर रात तक घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले दंगाई यूपी पुलिस कहती है कि यह प्रॉपर्टियां हमारी है, तुम्हें इसे छोड़कर चले जाना चाहिए, यह कहकर बेरहमी से पीटने लगते हैं। कईयों ने तो यह भी कहा कि लड़कियों की शादी के लिए जो भी जेवरात रुपया पैसा जमा किया था वो यूपी पुलिस लूट कर ले गई, अब हम क्या करें? पूरी यूपी में डर खौफ का माहौल है। घरों के सामने खड़ी की हुई कारों को, सवारियों को पुलिस की जानिब से तोड़ा जा रहा है, घरों पर पथराव किया जा रहा है। रात में दहशतदारी की जाती है तो दिन में दूसरे पुलिस वाले आकर नाम पूछने लगते हैं। अगर
ہندو ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ایسا اسلام نامی شخص نے ٹی وی رپورٹر کو بتاتے ہوئے کہا۔ وہی دوسری اور آشو نامک ایک شخص نے کہا کہ ہم غریب ہیں اور گھروں سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کہ لوگ کی فی ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے۔ فائرنگ میں لوگ مارے گئے پر پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تو گولی نہیں چلائی، جبکہ پولیس فائرنگ کے ویڈیوز حاصل ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور شخص ندیم جسے گولی چلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، جبکہ وہ کہتا ہے کہ جب مسجد سے اعلان ہوا کہ احتجاج میں شریک نہ ہو تو وہ گھر پر ہی بیٹھا رہا، پر پولیس گھر میں گھس کر اسے لے گئی اور مقدمہ درج کیا گیا۔ تقریباً 10,000 کے قریب نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور اب بھی گرفتاریاں جاری ہیں۔ آج بھی جمعہ کے روز کئی جگہ پر احتجاج ہوئے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے اب تک کوئی خبر حاصل نہیں ہو پائی ہے۔ سوشل میڈیا کو دبانے کی بھی پوری کوشش یو پی پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے، کیونکہ گودی میڈیا کے چلتے صحیح خبر عوام تک نہیں پہنچ پا رہی۔ آخر بھارت کے سب سے بڑے لوک تنتر میں پولیس دنگائی کا کردار نبھاتے نظر آ رہی ہے۔ کیا فرقہ پرستی کی سوچ اب انتظامیہ کے اندر تک داخل ہو چکی ہے، جو ایک مخصوص معاشرے کے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ لہٰذا اس دیش کے اکتا اخنڈتا کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو چاہیے کہ وہ نشپکش ہو کر فیصلے کرے، ورنہ صرف یو پی ہی نہیں دیش کے دیگر ریاست بھی فرقہ پرستی کی آگ میں جل سکتے ہیں، پھر اس ملک کو کھنڈر ہونے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔